तो इस वीडियो में आज हम लोग जो है पाचन तंत्र को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानव पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र किसे कहेंगे? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं वो सम्मिलित रूप से मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन से पार्ट्स हैं तो देखेंगे। पहले जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें बनता है, उसमें टोटल ऑर्गन्स आते हैं। पहला होता है माउथ एंड सेकेंड बकल कैविटी। बकल कैविटी में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पैलेट, टंग एंड टीथ। फिर थर्ड जो होता है फेरिंग्स होता है। फोर्थ ईसोफेगस। ईसोफेगस और फिफ्थ जो होता है स्टमक। सिक्स स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड सेवेंथ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड एर्थ जो होता है लास्ट एनस। ये पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी हैं। पहला माउथ होता है, माउथ को हिंदी में मुख कहते हैं, बकल कैविटी को मुख गुहा कहेंगे, और फेरिंग्स को ग्रसनी, इसोफेगस मतलब आहार नाल, सॉरी ग्रास नाल, और स्टमक आमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। एनस मीन्स गुदा। ठीक है, तो इतने पार्ट्स आते हैं। अगला जो आता है उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी आती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हिंदी में हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। पाचक ग्रंथियां, और फिर इसमें कौन कौन सी आती हैं पाचक ग्रंथियां? तो पहली जो है सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड्स, और फिर इसके बाद इसी में आती है लीवर, पैनक्रियाज, और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स को हम लार ग्रंथियां कहते हैं हिंदी में, लार ग्रंथियां, और लीवर यकृत, पैनक्रियास को अग्न्याशय कहा जाता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, जठर ग्रंथियां, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को आंत्रीय ग्रंथियां कहते हैं, आंत्रीय ग्रंथियां।
ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत पहले ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसमें जो है ये इतने पार्ट्स आते हैं, और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पांच जो है फाइव ग्लैंड्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ, लीवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये पांच ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। अब अगर हम एक एक को डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है कि पहले जो होता है माउथ है। माउथ क्या होता है, माउथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो चेहरे पर सामने की ओर, चेहरे पर सामने की ओर दो मांसल चल होठों के द्वारा बनी दरार नुमा संरचना को मुख कहते हैं। माउथ या मुख जो है, चेहरे पर सामने की ओर दो मांसल चल होठों के द्वारा बनी दरार नुमा संरचना को मुख कहते हैं। अगला ओरल कैविटी या बकल कैविटी, मुख गुहा जिसे हम कहते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। मुख के आगे का भाग मुख गुहा कहलाता है, इसके तीन भाग होते हैं। मुख गुहा की छत को हम तालू कहते हैं, मुख गुहा की छत को तालू कहते हैं, तालू या पैलेट। तो तालू जो होता है, तालू भी दो भागों में डिवाइड होता है, कठोर तालू और कोमल तालू। कठोर तालू होता है जो मुख गुहा की छत जो तालू होती है, तालू का अग्रभाग जो होता है वो अस्थियों का बना होता है, इसलिए उसे हम कठोर तालू कहते हैं या हार्ड पैलेट कहते हैं। और दूसरा जो होता है संयोजी ऊतकों का बना होता है, जिसे हम सॉफ्ट पैलेट या कोमल तालू कहते हैं। अगला टंग या जीभ जो होती है, जीभ क्या है? तो जीभ जो होती है ये एक मोटी मांसल संरचना होती है जो मुख गुहा में स्थित होती है, एक मोटी मांसल संरचना होती है जो मुख गुहा में स्थित होती है। और इसका काम क्या होता है? पहली बात तो भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन को चबाते समय भोजन को मुख गुहा में व्यवस्थित करने में, उसमें ठीक प्रकार से लार मिक्स करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा ये है कि किसी भी पदार्थ का टेस्ट अगर पहचानना है हमको, या किसी के स्वाद का अनुभव कराती जिह्वा, क्योंकि जीभ पर टेस्ट पैपिला या स्वादांकुर पाए जाते हैं जो स्वाद का अनुभव कराते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव कराते हैं। जैसे जीभ के पश्चभाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, और जीभ के जो है पश्च पार्श्वों से खट्टे का अनुभव होता है, और अग्र पार्श्व जो होते हैं पार्श्व मतलब किनारे, उनसे जो है नमकीन का अनुभव होता है, और जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है। अभी हमने जो डिस्कस किया था इसको, जो बकल कैविटी, बकल कैविटी में टीथ, टंग और पैलेट, पैलेट के बाद इसी में आएगा। देखिए ये बकल कैविटी, ये जो मुख है, मुख गुहा के आगे का भाग जो होता है मुख गुहा कहलाता है, मुख के आगे का भाग मुख गुहा कहलाएगा। और फिर इसके बाद का ये जो भाग होता है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होगी, और ये ईसोफेगस जा कर के सीधे जो है आमाशय में खुलता है, स्टमक में। आमाशय में खुलेगा जो ये एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पर जो ओपनिंग होगी वहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। आमाशय के तीन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक अगला होगा, फंडिक और पाइलोरिक, तो इसके तीन भाग होते हैं। कार्डियक भाग में इसकी ओपनिंग होती है और यहाँ पर ये वॉल पाया जाता है, इसलिए इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो भी भोजन होता है वो आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में पहुँचने के बाद फिर आमाशय की जो दीवार होती है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाएंगी जिनसे जठर रस भी स्रावित होगा। और इसमें HCL पाया जाता है, इसमें HCL पाया जाता है। HCL का काम ये होता है कि HCL जो होगा भोजन के साथ जो भी आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ये HCL जो होता है इसका ये काम होता है। अगला फिर ये भोजन जो होता है इसमें एक क्रिया होती है कि आमाशय जो होता है ये भी फैलता और सिकुड़ता रहता है। तो आमाशय जब फैलता और सिकुड़ता है तो भोजन जो होगा एक लुगदी के रूप में बन जाता है, और यही जो लुगदी के रूप में जो भोजन होता है ये आगे की ओर पास होता रहता है। यहाँ पर जो आमाशय और छोटी आंत के डियोडिनम भाग का जो संधि स्थल है वहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक अवरोधनी या इंग्लिश में पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा भोजन जो होगा ये आगे की ओर आएगा। ये दोनों वाल्व जो होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ये एक ही दिशा में खुलते हैं, एक दिशीय होते हैं,
एक दिशा में खुलेंगे ईसोफेगस से आमाशय की ओर, और ये आमाशय से छोटी आंत की ओर ये खुलता है कुछ, और फिर इसके बाद जो ये भोजन होगा ये आगे की ओर बढ़ेगा। छोटी आंत के डियोडिनम भाग से होता हुआ, छोटी आंत का जो डियोडिनम भाग होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 25 से मीन्स 25 से 38 सेंटीमीटर होती, 25 से 38 सेंटीमीटर होती है डियोडिनम की लंबाई। और फिर डियोडिनम से भोजन होकर के ये आएगा मध्यांत्र या जेजुनम में, जेजुनम से होता हुआ फिर इलियम, इलियम से होकर के छोटी आंत से बड़ी आंत में जब जाता है तो छोटी आंत जहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ती है वहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है। ये जो वाल्व होता है ये इलियम और सीकम दोनों के मध्य होता है, इसलिए इसे इलियोसीकल वाल्व कहते हैं, और हिंदी में इसको हम शेषांत्र उंडुकीय कपाट कहते हैं, शेषांत्र उंडुकीय कपाट। ये जो वॉल्व है इसे इलियोसीकल वॉल्व या शेषांत्र उंडुकीय कपाट कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत के सीकम भाग में जाता है। बड़ी आंत के सीकम भाग से एक लंबी लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी बंद नलिका निकली हुई होती है, ये जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जा रही है, ये अवशेषी अंग के रूप में है क्योंकि पहले जब ये उन जीवों में पाई जाती है विकसित होती है जो कच्चा भोजन जैसे है या भोजन को पका कर नहीं खाते, तो उनमें इसका काम होता है सेलुलोज का पाचन करना, और ये इसकी लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। फिर ये भोजन जो होगा ये बड़ी आंत के सीकम भाग से फिर कोलन में और कोलन से रेक्टम में आकर के एकत्र होता है। रेक्टम में जब एकत्र होता है तो रेक्टम में भी जल का अवशोषण होता रहता है, जल का अवशोषण होता रहेगा, और रेक्टम से फिर यहाँ एनस के द्वारा भोजन जो होता है जो अपचित पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, जो वर्ज्य पदार्थ होंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकालने की क्रिया वो उत्सर्जन कहलाती है। और इसमें ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के कोलन में जो ये उभार पाए जाते हैं इन उभारों को हम हास्ट्रा कहते हैं, उभार जो होते हैं इन्हें हास्ट्रा कहते हैं, HAUSTRA हास्ट्रा कहते हैं, ठीक है। ये जो उभार होते हैं इन्हें हास्ट्रा कहते हैं। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पर हमने जो अभी टीथ की बात की थी तो टीथ जो होते हैं ये भी टीथ ये जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा जो होता है वो मोलर होता है। ये चार टाइप होते हैं टीथ के, चार टाइप होते हैं। ये पहला जो होगा इंसाइजर होता है, इंसाइजर की संख्या जो होती है ऊपरी और निचले जबड़े में चार चार होती है। कैनाइन की संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में दो दो होती है। प्रीमोलर की इसकी भी चार चार होती है और मोलर की छः छः होती है ऊपरी और निचले जबड़े में। अब इनके कार्य क्या होते हैं। इंसाइजर जो होता है ये भोजन को कुतरने का काम करता है, काटने का काम करता है। कैनाइन जो होता है ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ये दांत जो होता है कैनाइन जो होता है ये नुकीला होता है और उभरा हुआ होता है थोड़ा सा नुकीला। और ये जो होता है कैनाइन टीथ जो होगा तो ये मांसाहारी जीव जितने होते हैं उनमें अत्यधिक विकसित होता है। जैसे कुत्तों में देखने को मिल जाता है कि अपर जाँ में और लोअर जाँ में दोनों तरफ जो है साइड में उभरे हुए दो लंबे दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर जो होता है इसकी भी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में चार चार होती है। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर जो नेक्स्ट होता है वो मोलर होता है। मोलर टीथ जो होते हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो टीथ, टीथ जो होते हैं इसके टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम इस पर जो है दंत सूत्र भी आता है। दंत सूत्र इनके होते हैं, पहली बात तो ये दो प्रकार के होंगे। एक तो होता है परमानेंट टीथ और दूसरा जो होता है वो टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ। परमानेंट टीथ स्थाई दांत और टेम्परेरी टीथ मतलब अस्थाई दांत। टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं,
मिल्क टीथ या दूध के दांत, इन्हें हम क्षीर दांत भी कहते हैं। ये जो होते हैं इनकी संख्या टेम्पररी टीथ की जो होती है वो 20 होती है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो 30 होती है। अगर हमको जो है डेंटल फार्मूला देखा जाए तो डेंटल फार्मूला हम दोनों का अलग अलग जब उसको पढ़ते हैं तो डेंटल फार्मूला कैसे देखते हैं कि डेंटल फार्मूला ऑफ टेम्पररी टीथ वो क्या होगा, डेंटल फार्मूला ऑफ टेम्पररी टीथ ये क्या होता है, मतलब अस्थायी दांतों का दंत सूत्र जो होता है वो क्या होगा, ये 21:20/21:20। इसका बहुत ही इजी वे है लिखने का, 21:20/21:20। अब इनके सभी के टाइप्स हमको पता है कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर पहला टाइप, ये इसको रख देंगे 2/2, कैनाइन 1/1 एंड प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 0, ये हो जाएगा टेम्पररी टीथ में। अब इसको हम देखेंगे 5, 2, 2, 4, 1, 5 और ऊपरी जबड़े में 5, निचले जबड़े में 5, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर आ जाएगा 20। ये होता है टेम्पररी टीथ का डेंटल फार्मूला। ऐसे ही आता है जो अगर हम डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ ये क्या होता है, इसको भी 21:23/21:23। तो इसको जब हम लिखेंगे 21:23/21:23 होता है, तो इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, देखेंगे कितनी आ रही संख्या, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8, 8/8, मतलब 8 ऊपरी जबड़े में, 8 निचले जबड़े में, गुणे 2, 16 × 32 हो जाएगा, 8, 8, 16 × 32। अब ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जैसे ये जबड़ा है तो इसमें डेंटल फार्मूला जो होता है इसका हम जस्ट आधे का निकालते हैं, आधे में देखते हैं कि अपर जा में कितने हैं और लोअर जा में कितने टीथ हैं। जैसे अपर जा में देखा गया कि पूरे ये अपर या लोअर जा कोई एक मान लेते हैं, तो ये जो है ये इंसाइजर्स हैं 4, एक इसमें इस साइड कैनाइन हो जाएगा और एक इस साइड कैनाइन हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के बाद मोलर, और फिर इधर भी सेम। अब ये जो होते हैं इंसाइजर और ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर्स, तो ये जो दांतों का जो डेंटिशन होता है इस प्रकार से होता है। इसको जब हम पूरे जबड़े को आधे से डिवाइड कर देते हैं तो कैना इंसाइजर जो होंगे 4 होते हैं, 2 एक साइड आ जाएंगे, कैनाइन 2 होते हैं, ये क्या होगा एक साइड, और ये जस्ट आधे हो जाते हैं, जितने इस तरफ होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में, उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में। फिर हम देखते हैं कि इसमें जब डेंटल फार्मूला लेते हैं तो इधर का जब कभी भी बनाएंगे डेंटल फार्मूला करते हैं तो इंसाइजर जो होते हैं 2/2 का मतलब ये होता है कि ये लोअर जा के हैं तो वो अपर जा में भी 2 ही होंगे, और कैनाइन एक अगर लोअर जा में है हाफ में तो एक जो है अपर जा में भी होगा। और फिर इसको जो है ये डेंटल फार्मूला ऐसे लिख करके फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल जो है 32 इसकी संख्या आ जाती है। अगर परमानेंट परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला है तो उसमें 8/8 मीन्स 8 ऊपरी जबड़े में, 8 निचले जबड़े में, गुणे 2 कर देंगे, 8, 8, 16 × 32 इनकी संख्या हो जाती है। और वैसे ही जो टेम्पररी टीथ होता है, टेम्पररी टीथ में इसमें भी क्या होगा,
संख्या इनकी देखेंगे ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में ये हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये डेंटल फॉर्मूला होता है टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ का। बाकी जो बची डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।